नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा एडवोकेट आज सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम महत्वपूर्ण निर्णय को आप सभी से साझा कर रहा हूँ। इस फैसले में कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि किसी अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मामले का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस अभय एसोका और जस्टिस राजेश बिंदल की कोर्ट ने यह फैसला सरबजीत कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले की समीक्षा कर 1 मार्च 2023 को सुनाया। कोर्ट ने नोटिस किया कि जब तक कि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा सही नहीं दिखाया जाता है, केवल वादे को पूरा करने में विफलता के आरोप पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक न्यायालयों का उपयोग दीवानी विवादों को निपटाने के लिए पार्टियों पर दबाव डालने के लिए नहीं किया जा सकता है। पहले आप मामले के तथ्य समझे कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC धारा 420, 120 बी और 506 के तहत FIR दर्ज की गई। आरोपी ने FIR रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने FIR को खारिज करने से इनकार कर दिया। आरोपी ने आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट में की और इस अपील में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR में लगाए गए आरोप दीवानी प्रकृति के हैं। शिकायतों के तथ्यों का अवलोकन कर न्यायालय पीठ ने विचार करते हुए कहा, पूरा विचार सिविल विवाद को आपराधिक में बदलने और कथित रूप से भुगतान की गई राशि की वापसी के लिए अपीलकर्ता पर दबाव बनाने के लिए पुलिस थाने में दर्ज कराया जाना प्रतीत होता है। आपराधिक न्यायालयों का उपयोग स्कोर निपटाने के लिए नहीं किया जाता है या न ही सिविल विवादों को निपटाने के लिए पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है, किंतु जहां भी सामग्री हो वहां आपराधिक मामले बनते हैं। आपराधिक अदालतों को संज्ञान लेना होता है। जिस विचाराधीन शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई, सल्स डीड के रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के लगभग 3 साल बाद दायर की गई। अब कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अपील की अनुमति देते हुए और FIR रद्द करते हुए पीठ ने इस प्रकार कहा, अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं देता है जब तक कि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा सही नहीं दिखाया जाता है, केवल वादा निभाने में विफलता का आरोप आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। दोस्तों, आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्णय की जानकारी आपसे आगामी पॉडकास्ट में साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। आप सुनते रहिए न्यूज मीडिया टुडे रेडियो।